स्टेज पर एसएमआर ट्रस्ट के उन तीन दंपतियों को बुलाना चाहती हूँ जो एसएमआर ट्रस्ट की युवा शक्ति का प्रतीक हैं और एसएमआर ट्रस्ट के वे मशाल वाहक हैं जिनसे समाज को बड़ी आशाएं हैं। मैं निवेदन करती हूँ श्री अजीत सिंह जी और श्रीमती सरोज जी, श्री आरपीएन सिंह जी और श्रीमती वंदना जी, श्री संजय सिंह, रिंकू जी और श्रीमती सपना जी से कि आप लोग स्टेज पर आए और एसएमआर ट्रस्ट की ओर से सभा का स्वागत करें। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित एसएमआर ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। हर वर्ष की भांति आज हम सभी एसएमआर ट्रस्ट के पारिवारिक मिलन समारोह में प्रतिभाग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये ट्रस्ट नारी सम्मान और निःशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस कोविड-19 महामारी के दौरान जब सभी कार्य ऑनलाइन होने लगा, तब हमारी महिला विंग्स के सदस्यों ने इस डिजिटल युग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिता के बारे में सोचा और इसकी रूपरेखा तैयार की। इसी क्रम में स्मार्टफोन की बारीकियों को जाना व गूगल मीट के माध्यम से प्रतियोगिता की तैयारी करवाई व इसे सुचारू रूप से संपन्न कराया और नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश की।
इस मंच के माध्यम से मैं नारी शक्ति का आह्वान करती हूँ और अपनी महिला विंग्स को और सशक्त बनाना है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, विशेषकर महिलाओं की, कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें और दूसरे समाज के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये हमारा अपना ट्रस्ट है, हमारे अपने लोग हैं, अतः हमें अपने संकोच को दूर कर अपनी प्रतिभा को निखरने देना है। नारी शक्ति को समर्पित कुछ पंक्तियाँ। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हो दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू श्रीमती सपना सिंह जी। अब मैं श्री आरपीएन सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। देखिए, म्यूजिक के ट्रैक के साथ हम लोग तालियों का ट्रैक भी लाए हैं। किसी ने बताया कि तालियां आप लोग बजा नहीं पाते हैं करते, तो अगर ताली बजाने में दिक्कत हो तो हम लोग तालियों का ट्रैक बजाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हर आइटम के बाद, हर व्यक्ति के आने के पहले और जाने के बाद तालियां इतनी जोर से बजे कि जागते हुए क्षत्रिय मल समाज की जो गूंज है वो पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे। तो आप जो ताली बजाइएगा तो यही सोच के बजाइएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आरपीएन सिंह, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, भाई बहनों और माताओं को सावध प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। क्योंकि कोरोना काल के चलते बहुत कम समय मिला हम लोगों को इस पारिवारिक आयोजन को करने में, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग कोरोना महामारी से दूर रहें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। क्योंकि इस आयोजन का जरूरत हमें इसलिए पड़ता है कि हम साल भर में कम से कम एक बार ऐसा मौका मिलता है कि एक छत के नीचे हम सभी लोग एकत्रित होकर आपस में मेलजोल, भाईचारा की भावनाओं को बनाए रखें और एक दूसरे को आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग कर सकें। क्योंकि संगठन बहुत जरूरी है और किसी भी तरक्की का मूल मंत्र है संगठन। आपको मालूम होगा, अगर हम एक ढेला किसी कुत्ते के ऊपर फेंकते हैं तो कुत्ता वहां से भाग जाएगा, वही ढेला अगर किसी बिल्ली के ऊपर फेंकते हैं वो भी वहां से भाग जाएगी, लेकिन क्या वही ढेला हम अगर किसी मधुमक्खी के छत्ते में डालें तो खुद भागना पड़ेगा। इसका मेल मंत्र है संगठन, क्योंकि मधुमक्खियां हमेशा संगठित होकर एक संगठन में रहती हैं, इसलिए उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो क्या हमें उनसे सीख लेकर संगठित होकर रहने की आवश्यकता है और एक दूसरे को सहयोग करते रहने की आवश्यकता है। बस संगठित रहिए, ठोस द्वारा दिए जाए योगदान, जैसे स्वरोजगार पे परिचर्चा, बच्चों के लिए प्रतिभा मंथन, मेट्रोमोनियल जैसे सुविधाओं का लाभ उठाइए। आइए, इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कौन कहता है मेरी आवाज में वजन नहीं है, कौन कहता है मेरी आवाज में वजन नहीं है, दो शब्द तो कहने दो, दिल हल्का हो जाता है। इसी के साथ मैं सबको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और ये मंच फिर मैं कृतिका जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद।